राधे राधे। तो हम सबके अंदर ईगो होती है, यूं कहूं कि मैं होता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सुंदर हूं, या मैं सब जानती हूं, या मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूं। मैं, हम सब इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इन्हीं सब चीजों की एक बनावट बन गए हैं, या फिर अंदर मन कुछ और भी है, क्योंकि दिमाग कुछ और कहता है, मन कुछ और कहता है, और आत्मा तो बिल्कुल ही अलग कुछ कहती है। इन सब चीजों में हम अपना जो एक सच्चाई वाला मन है, एक सच्चाई वाली जिंदगी है, वो जी ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सबको दिखाना है, देखो मेरे पास पैसा है, मेरे पास कितना सुंदर घर है, या मेरी बीवी इतनी सुंदर है, या मेरा पति इतना सुंदर है, या मैं इतना कमाता हूं, या इस तरह की मैं। इस मैं से छुटकारा पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम एक सच्चा जीवन जी ही नहीं सकते। सच्चा जीवन कैसे जी पाएंगे जब तक हम दूसरों से वैलिडेशन लेते रहेंगे, उनसे अप्रूवल लेते रहेंगे कि देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, या मेरे पास कितना पैसा है। आप किसी को जाके पैसा थोड़े ना दे आते हो, सिर्फ अप्रूवल चाहते हो कि देखो मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है। खैर, मेरी आज की कहानी इस कठिनाई वाली बात को, इस ईगो को कैसे खत्म कर सकते हैं वो बताएगी। कहानी थोड़ी पेचीदी भी है, लेकिन समझदार आप हैं, और मैं जानती हूं कि आप कहानी सुनना जरूर चाहते हैं, और इस मैं को अपनी जिंदगी से खत्म करना चाहते हैं। कठिन होगा, लेकिन कठिन चीजें ही तो करने में मजा है ना। तो शुरू करूं कहानी। तो होता यह है कि आचार्य नागार्जुन, जो कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और सब उनसे मिलने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं। अब वो एक जो जगह थी वहां पे रह रहे थे, वहां के राजा का मन हुआ उनसे मिलने का। राजा ने अपने मंत्री को भेजा और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जाकर उनको आमंत्रित करो और हमारे राजमहल में आए और हमें ज्ञान की बातें सिखाएं। अब मंत्री जाते हैं नागार्जुन जी के पास में और कहते हैं कि आपको राजा जी ने बुलाया है। नागार्जुन जी, वो कहते कौन नागार्जुन? वो कहते आप ही तो हैं वो जिनको आमंत्रित किया जा रहा है। कहते खैर वो मैं तो नहीं हूं, लेकिन कल मैं राजमहल आ जाऊंगा। अब ये मंत्री जाके बात राजा जी को बताता है कि राजा साहब मैंने आपका आमंत्रण दिया, लेकिन वो तो अलग तरीके की बातें कर रहे थे। कहते नहीं नहीं ऐसे बात मत बोलो, बहुत ज्ञानी विद्वान आदमी है, वो ऐसी तरीके की बात करते हैं, हमें उनसे ज्ञान लेना है। अब सुबह होती है और एक बहुत सुंदर रथ तैयार होकर उनको लेकर आता है राजमहल। राजा बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के उनका आदर सत्कार करते हैं, कहते हैं कि आचार्य नागार्जुन आपका स्वागत है। तो वो कहते हैं कौन नागार्जुन? मैं तो कोई नागार्जुन नहीं हूं। वो बहुत हैरानी से देखते हैं। राजा कहते हैं जिसको मैंने आमंत्रित किया, जो आप यहां आए हैं इस रथ पे बैठकर, वही तो आचार्य नागार्जुन है। कहते हैं अच्छा, इस रथ पे बैठकर मैं आया हूं तो मैं वही हूं। कहते हैं अच्छा राजा जी, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, तो आप ये कहते हैं ये पूरा रथ है? कहते हैं हाँ। कहते हैं आप इसके जो ये चक्का है वो हटवा दीजिए। वो हटा देते। कहते हैं तो क्या ये रथ है? कहते हैं ये कैसे रथ हो सकता है? कहते तो इसकी सीट हटवा दीजिए। सीट हट जाती। कहते या ये रथ है? कहते नहीं। कहते तो घोड़े भी हटवा दीजिए। घोड़े भी हट जाते हैं। अब एक 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 करके सब चीज हट जाती है और वहां पे एक दो डंडे रह जाते हैं। अब वो पूछते क्या ये रथ है? राजा इस बार भी मना करता है और उसको समझ नहीं आता है कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई ज्ञान की बात है, और वो उनके जो चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप जो हमें समझाना चाहते हैं, आप, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज आप स्पष्ट करें क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि ये रथ ना सीट का, ना घोड़े का, ना चक्के का, ना इसका ना उसका, सब मिला के ये पूरा एक रथ आप कहते हैं, वैसे ही हम हैं। कभी नाम है, कभी शोहरत है, कभी पैसा है, कभी हमारा इच्छाएं हैं, कभी लोभ है, लालच है, इन सब से हम बन जाते हैं, ये मैं बन जाते हैं कि मैं हूं। हम वो नहीं है। हम अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के एक अंश हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपने अंदर इतना मैं कर लेते हैं कि हम अपनी जो सच वाली ट्रू सेल्फ है वो ही खो देते हैं।
हम लोगों को सिर्फ वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत पैसा है तो हम सिर्फ पैसे की बातें करते हैं, पैसा दिखाते हैं। मैं सुंदर हूं तो मैं सिर्फ सुंदरता की बातें करूंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, या फिर ये चाहूंगी कि लोग मेरी सुंदरता की बातें करें। और जो लोग सुंदरता की बातें नहीं करते हैं मेरी, या मेरे पैसे की बात नहीं करते हैं, या फिर मेरे रुतबे की या मेरी चीजों की बात नहीं करते, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। वो यही समझाना चाहते थे। कहते थे कि अगर तुमको अपना मैं छोड़ना है तो सबसे पहली चीज यही करो कि तुम भगवान का एक अंश हो, एक समुद्र में एक बूंद के बराबर हो। अगर तुम अपने आप का बहुत बड़ा समझते हो, अपने वजूद को बहुत बड़ा समझते हो, तो समुद्र के सामने जाकर बैठो और समझो कि तुम एक बूंद हो, फिर पता चलेगा कि तुम्हारे पास में क्या है। इस कहानी को सुनने के बाद में मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। मुझे लगा कि सचमुच में मैंने गहराई से सोचा कि हाँ, मेरे अंदर भी तो मैं है, मैं भी तो बहुत बार अपना मैं दिखाती हूँ। या ये कहती हूँ कि देखो मैं कितनी अच्छी कहानियां सुनाती हूँ। मैं कोई नहीं हूं कहानियां सुनाने वाली, सिर्फ और सिर्फ मुझे कहानियां सुनाई देती हैं, मैं या पढ़ लेती हूँ, और वही चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जो चीज मैं महसूस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि फिर मैं नहीं होना चाहिए, मेरा मन कहता है कि मुझे बांटना चाहिए। जब आपकी इच्छा बांटने की हो जाती है, तब आप उस समुद्र से मिलने की इच्छा में शायद बैठ कर ये सोच पाओ कि हाँ, मैं भी तो एक बूंद की तरह हूं। खैर, ये तो मेरी बात थी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि कहानी थोड़ी सी पेचीदी है, लेकिन अगर आप इसको शायद दो बार और सुने तो शायद समझने की कोशिश करें कि हमारा जो ये मैं है, ये बहुत सारी चीजों से बना है। उस मैं को अगर हम ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। जिंदगी हम सच्चाई से जी सकते हैं। आपको क्या लगता है? आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे जरूर समझाएं, सुनाएं और मुझे बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।